भगवान, अब मैं क्या करूं? पहले तो कागड़ी सिर्फ काव काव करती थी, लेकिन अब तो उसकी जासूसी भी न जाने कहां कहां से क्या 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 सबूत इकट्ठे कर लेती है। मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरा जीना मुश्किल ही हो जाएगा। मैं मम्मी को फोन करती। ये छोटी कागड़ी का सामान है या सौंदर्य प्रसादन का पूरा दुकान? मेकअप की इतनी सारी चीजें तो मैंने मेरी पूरी उम्र में कुल मिलाकर भी नहीं खरीदी होगी। हाँ, ये गुलाबी क्रीम, सुगंध तो मस्त छे। अब से मैं इन्हीं क्रीम से मेरा फेशियल करूंगी। हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं? आपको पता है आज तो ऐसा कुछ हुआ जो बहुत ही भयंकर था। क्या भयंकर? क्या तेरी नानी सास ने तुझे दांत धुलने के बदले शाबाशी नहीं दी? अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी, मैंने पढ़ा और सुना तो कई बार था कि होशियार चोर भी गलती से कोई ना कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है, लेकिन जाना तो आज है। जब इतने से दाग के कारण मुझे चोर बना के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हाँ, मतलब मम्मी, आज तो कागड़ी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ के उस चील मैया के सामने इतना बेइज्जत किया कि मैं आपको क्या बताऊं। और तो और, आज जिगर जी भी कुछ खींचे खींचे से नजर आ रहे थे। तू गधेड़ी छे, बेवकूफ छे। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन मम्मी प्लीज, आप मेरी मदद करिए ना प्लीज। फिलहाल तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, मैं बहुत व्यस्त हूँ। वैसे भी मैं तेरे लिए हमेशा मगजमारी करूँ और तू गलती पे गलती किए जाए और फिर मैं उसे सुधारूं? ना भाई ना, मुझसे नहीं होगा। मम्मी, आप मेरी अच्छी मम्मी है ना? मम्मी प्लीज देखिए, आज सवेरे से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। भूख के मारे यहाँ मेरी हालत खराब है, मरी जा रही हूँ मैं। मम्मी प्लीज प्लीज आप ही कुछ करिए ना प्लीज। तो हूँ शो करूँ? भूखी मत, दोषी भी खुश हो जाएगी। क्या? अरे हाँ, हमणा जी कलाकारी मगज में आवी छे। सुन, बस ऐसे ही करना। हाँ मम्मी, मैं कल सवेरे से ही ये करती हूँ। और मुझे लगता है कि दोषी तो क्या, जिगर जी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। चलिए मम्मी, मैं अब फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये आप मेरी चीजों के साथ क्या कर रही हैं? मेकअप का सामान कीमती है, कोई खिलौना नहीं। आपने मेरा परफ्यूम भी यूज किया? हाँ तो क्या हुआ? अब तू तो शहर के इतने बड़े पार्लर में चली गई, लेकिन दो दो का वहां जाना हमें तो परवड़ेगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि ये तेरी क्रीम श्रीम से मैं घर में ही फेशियल कर लूं। और अब जब इन हालात में किसी एक को तो घर में रुकना ही है, और अगर कुर्बानी मैं दे रही हूँ तो तेरे इस सौंदर्य प्रसादन को अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ तो उसमें तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। केम? बराबर ने? मैं तेरी ये नेल पॉलिश अपने कमरे में लगाऊंगी, तुझे चाहिए तो वहां कर ले जा। हुँ?
ये दोनों माँ बेटी एक ही सांचे में ढली है। सेल्फिश। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? बोल। नानी जी वो क्या? अहम से गुस्सा है क्या? अरे मैं तेरे नाना जी से खूब झूठा झूठा गुस्सा करती थी कि पुरुषों को झूठा नखरा दिखाना जरूरी होता है। नानी जी ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है बोल ना, तू ही बता दे। चल आ मेरे साथ। अहम। नानी जी आप? ये तेरी बहू बाहर गलियारे में क्यों खड़ी थी? बहू से झगड़ा बिगड़ा हुआ है क्या? नहीं नानी जी, वैसे आप इसी से पूछ लीजिए। तू ही बता, तुझे रसोड़े का कोई काम याद आया था क्या? हाँ। काम कर, तू अपना काम कर ले और मैं कोयली से तेल लेके आती हूँ, ठीक है? बाहर खड़े रहने की जरूरत क्या थी? वो मुझे लगा कि अगर मैं अंदर आऊंगी तो मेरी वजह से काम से आपका ध्यान बटेगा और आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, लेकिन जब तुम्हें नानी ने बाहर खड़े रहने की वजह पूछी तो तब तुम्हें मेरी परेशानी का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? अब जाओ यहां से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।